22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे रामलला के मंदिर में गर्भगृह होगा, 5 मंडप होंगे और वो भूतल पे होगा मंदिर। तो वो मंदिर बन चुका है। प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है वहां राम दरबार होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उनसे राजनीति कैसे जुड़ सकती है। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे। उससे पहले जो पूजा विधि है वो अभी शुरू हो चुकी है, और वह पूजा विधि कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे उनका विभिन्न नदियों के जल से स्नान होगा, अभिषेक जिसे कहते हैं, ये तो रात कल में होगा, ये आने वाले 2-3 दिनों में। इसी प्रकार जो देव, जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है, और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ मंत्रोच्चारण के साथ उनको उनके प्रत्यक्ष रहने रखने की बात है, तो वह कार्यक्रम भी चलेगा। अंत में जब 22 तारीख को 12:30 बजे शुभ मुहूर्त होगा तो यह विश्वास लोगों का होता है, और इस विश्वास को हम किसी प्रकार का, इस विश्वास पर हम प्रश्न सूचक बिंदु नहीं उठा सकते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा की है। कुछ लोग हो सकता है कहे प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि मूर्ति में शक्ति हो और यह पूरे विश्व को एक मानुष मनुष्य के स्वरूप से ऊपर उठकर भगवान के रूप में देख रहे हों। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा मंत्रों के उच्चारण और विभिन्न कर्म कांडों से होती है, वह पूर्ण की जाएगी। सर एक सवाल जो आजकल आप देखेंगे विवाद जैसा भी शुरू हो गया, हालांकि आपने भी बोला इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा कम्प्लीटली बना नहीं है, उस वजह से प्राण प्रतिष्ठा में का वो नहीं होना चाहिए, हालांकि सोमनाथ जैसा उदाहरण हम लोगों के सामने है कि जब हो चुका है, तो इस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। मंदिर तो बन गया है, मंदिर का जो स्वरूप है रामलला के मंदिर का, आप इसको समझें, ये महत्वपूर्ण बात है। रामलला के मंदिर में गर्भगृह होगा, 5 मंडप होंगे और वो भूतल पे होगा मंदिर। तो वह मंदिर बन चुका है। प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है वहां राम दरबार होगा, वहां रामलला अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दरबार होगा, जिसमें सीता जी होंगी, उनके भ्राता होंगे, उनके परम सेवक हनुमान जी होंगे। और जो दूसरा तल है वह केवल अनुष्ठान के लिए है, वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान जो होंगे उनके लिए है। तो यदि आप देखें तो एक तरीके से रामलला का मंदिर पूर्ण है, और जो आपने स्वयं ही कहा पहले के जो मंदिर होते थे वो तो कभी कभी 50 वर्ष और उससे अधिक समय में पूर्ण होते थे, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां भगवान स्थापित न हुए हो या वहां पे पूजा अर्चना न होती हो।
तो या तो एक तरीके से सही स्थिति को सही ढंग से नहीं समझने, जानकर नहीं समझने का प्रयास है। सर एक और आखिरी सवाल, आपका समय बहुत कम है और आपने स्टिक किया था कि इसको लेके सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट डे से इस मंदिर के निर्माण से लेके अभी फाइनल स्टेज पर अभी आ रहा है, आप देख रहे हैं, कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है, इस चीज को एक पर्टिकुलर पार्टी जो रूलिंग पार्टी है तो इस वजह से हम लोगों के लिए आना मुश्किल। मैं कांग्रेस का नाम लेता हूं इसमें, कांग्रेस का कहना यह है कि हम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, तो बीजेपी ने इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। देखिए, मैं राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर तो नहीं देता, मेरे अनुशासन के तहत जो जिस व्यवस्था से हम निकले हैं उसमें वो उचित नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आती कि भगवान राम राजनीतिक बन गए या जो उनके अनुयायी हैं, जो उनमें भक्ति रखते हैं, वह उनको राजनीतिक बना रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या भगवान राम राजनीतिक बने हैं? क्या भगवान राजनीतिक होकर के अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं? क्या वो प्रत्येक को अलग अलग भक्ति की व्यवस्था कर रहे हैं? क्या वो अलग अलग लोगों को आशीर्वाद कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उनसे राजनीति कैसे जुड़ सकती है? इसलिए ये तो हमारा नजरिया है कि हम उसे राजनीति समझें, लेकिन भगवान की दृष्टि जो सबके लिए समान है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो यथावत ही रहेंगे।